हाय गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन आज हम लोग एक नया नोटिफिकेशन आपके सामने लेके आए हैं जो कि इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज का है इस साल से 2023 से इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज का एग्जाम अलग से होगा देव स्पेसिफाइड इट ऑन सेकेंड दिसंबर 2022 पीआईबी की एक रिलीज है जिसमें ये स्पेसिफाई किया गया है अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है बट दे वॉल्सो स्पेसिफाइड की फर्स्ट फेब्ररी टू को जब यू सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आएगा तभी ये नोटिफिकेशन भी रिलीज होगा अब इसका मेन एडवांटेज किसको होने वाला है और इसका सिलेबस क्या है पैटर्न क्या है उसको समझ लेते हैं लेकिन उससे पहले क्योंकि हम लोग स्पेशलाइज करते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में मैनेजमेंट में ऐसे सब्जेक्ट्स में ऐसे ऑप्शनल्स में यू सिविल सर्विसेज में तो यहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहा है स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि या तो सिविल सर्विसेज कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट से दे रहे हैं या फिर अभी अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं और ये एग्जाम्स देने की सोच रहे हैं उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि इस एग्जाम की इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कंपेयर टू सिविल सर्विसेज काफ़ी छोटा है अब आते हैं हम लोग नोटिफिकेशन पे या फिर प्रेस रिलीज पे जो शुभम आपको बता देंगे कि क्या क्या बताया गया है इस प्रेस रिलीज में क्या सिलेबस होगा क्या पैटर्न होगा और कैसे ये कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और बहुत सारे ऑप्शनल्स वाले स्टूडेंट्स को फायदा करेगा सो हेलो एवरीवन एक बार प्रॉपरली प्रेस रिलीज है उसको गो थ्रू कर लेते हैं तो ये सेकेंड दिसंबर को हमारे सामने एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें कहा जा रहा है कि नाव यूपीएससी इज गोइंग टू कंडक्ट अ सेपरेट अ सेपरेट नोटिफिकेशन इज देयर कि एस के लिए डेढ़ सौ वेकेंसी के लिए एक प्रपोजल प्लेस किया गया है ठीक है वो क्लियरली यहाँ पे है ठीक है इन फ्रंट ऑफ यूपीएससी और यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरीके से पैटर्न होता है कि सबसे पहले आपका प्रिलिमनरी एग्जामिनेशन होता है फिर मेंस होता है एंड देन दे इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट जहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि फर्स्ट स्टेज जो होगा जो प्रिलिमिन्री एग्जामिनेशन होता है जो आपका प्री होता है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम मतलब कॉमन एग्जाम होगा ठीक है दैट इज वेरी क्लियरली मेंशन हेयर और उसमें क्या होगा सिलेबस इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम बिकॉज कॉमन ही एग्जाम है तो जो आपका यूपीएससी का सिलेबस होता था दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम कॉमन एग्जाम हो गया नेक्स्ट अगर मेन्स पे आते हैं तो यहां पे मेन्स के अंदर सिर्फ चार पेपर्स होने वाले हैं दर गोइंग टू बी फोर पेपर्स दो पेपर्स जो हैं पहले वो क्वालिफाई होंगे वन इज गोइंग टू बी ऑफ इंडियन लैंग्वेज ठीक है जो कि बेसिकली आ, मार्क्स का होगा देन दे इज गोइंग टू बी पेपर वी विच इज अगेन गोइंग टू बी एन इंग्लिश ऐसे काइंड ऑफ अ पेपर जो अगेन तीन सौ मार्क्स का होगा एंड बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर मेरिट बनाने के लिए ये दोनों एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होने वाले हैं इट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड अब यहां पे जैसे अनुसर बता रहे थे कि यहां पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है जो मैं फील कर सकता हूं बिकॉज आई हैव बीन इन टच है लॉट ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स उनके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि यार जीएस में प्रोबेबली हमें इंटरेस्ट नहीं आता है या फिर जीएस हमारा कोर एरिया नहीं है तो शायद हम वो उसको नहीं पढ़ना चाहते तो आपके लिए एक बहुत एडवांटेज की सिचुएशन है यहां पर जो मेन्स का पेपर है जहां पर मेरिट काउंट होगी बेसिकली उसके अंदर चार सब्जेक्ट मेंशन है फॉर योर ऑप्शनल वन इज सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द फोर्थ वन इज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी तो अगर आप कॉमर्स अंडर ग्रेजुएट हैं अपने फाइनल ईयर में और अगर आपको लगता है कि आपका कभी भी ड्रीम था कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते थे बट ड्यू टू द एक्सपोनशियल सिलेबस ऑफ हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी एंड अदर सिलेबस आप नहीं अपियर कर पाते थे सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू सो so, ये चार सब्जेक्ट्स हैं जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा जो यूपीएससी में रहता है ठीक है सो so, आपको ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है आप उस सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हैं कि कितना सिलेबस मैच करता है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग और बता दूं मैं आपको दो ऑप्शनल पेपर होंगे पेपर वन विच इज गोइंग टू तो बी ऑफ तो 250 मार्क्स पेपर टू दैट इज अगेन गोइंग टू बी ऑफ 250 मार्क्स एंड फाइनली एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो आफ्टर योर मेंस होता है आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड इन मेंस और वो हंड्रेड मार्क्स का होगा विच इज पर्सनल इंटरव्यू तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली सेम होंगी जो कि सी एस सिविल सर्विस एग्जाम में होती है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी एग्जैक्टली exactly सेम होने वाली है सो इफ यू पर्सन विद जस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नंबर भी कम है लेकिन पास किए हो तो भी एलिजिबल हो ये एग्ज़ाम दे सकते हो सिविल सर्विसेज में साढ़े सात सौ आठ सौ के आसपास सीट निकलती हैं और यहाँ पर डेढ़ सौ सीट निकली हैं खाली रेलवेज मैनेजमेंट में तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जो कि शुभम ने बताया कि अभी फाइनल ईयर में हो एग्ज़ाम देना चाहते हो लेकिन मेन्स लेवल की जी की तैयारी नहीं है प्रिलिम्स निकालना कम्पेरेटिवली ईजी होता है सी सी में लेकिन मेन्स पे उस लेवल का लिखना उस लेवल की कमांड आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो अब चार पाँच महीने में जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी से लेके चलें दिसंबर से लेके मई तक का टाइम है अगर इन चार पाँच महीने में जी एस भी कवर कर लेते हो अच्छे से प्रिलिम्पस के लिए तो आपका प्रिलिम्पस निकल सकता है बहुत अच्छे चांसेस हैं पाँच महीने काफ़ी होते हैं उसके बाद आपके पास ढाई से तीन महीने का टाइम होगा जिसमें सिविल सर्विसेज वालों को तो जी पढ़ना होता है Uh, अपना ऑप्शनल भी पढ़ना होता है एस भी करना होता है ये सारी चीज़ें करनी होती हैं आपको एस नहीं करना है आपको जी नहीं करना है बस ऑप्शनल की तैयारी करनी है जो कि एक ही ऑप्शनल होने वाला है दो ऑप्शनल नहीं है चार आपको ऑप्शंस uh, दे दिए गए हैं इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शनल उठा लो उसके दो पेपर होने वाले हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए स्पेशली जो कि ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत फायदा होगा जो इंजीनियर्स हैं अफकोर्स उनको भी ये सेम एडवांटेज वो भी यूज कर सकते हैं तो बहुत सारे इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं लेते यूपीएससी में इंस्टेड वो क्या करते हैं सोशोलॉजी साइकोलॉजी जोग्राफी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड थ्रू ऐसे सब्जेक्ट्स उठाते हैं अब उनके लिए एडवांटेज होगा अगर वो अपना कोर सब्जेक्ट उठाएं मैकेनिकल इंजीनियरिंग उठा लिया छः महीने में ये एग्जाम दिया सीट्स बहुत हैं निकाल के यू हैव अ बैकअप प्लान विद यू नाउ आप बना सकते हो अपॉर्चुनिटी ग्राफ कर सकते हो इसमें जो फिफ्टी वेटेड है कॉमर्स एंड अकाउंट में थर्टी वेकेंसीज है इलेक्ट्रिकल में सिक्सटी है मैकेनिकल में थर्टी हैं, और सिविल में थर्टी है तो तीन सब्जेक्ट्स में थर्टी थर्टी हैं, और इलेक्ट्रिकल में सिक्सटी वेकेंसीज है ये इन्होंने डिविजन दे दिया है अब इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पर है जो मेजर कन्फ्यूजन हमें लग रहा है क्योंकि प्रीलिम्स तो दोनों का सेम होने वाला है ये क्लियर है लेकिन जो मेंस एग्जाम है वो दोनों का एक ही एग्जाम होगा या फिर अलग अलग होगा वो नोटिफिकेशन के बाद पता लगेगा फर्स्ट फरवरी को जो आएगा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल प्रिलिम्स तो अट्ठाईस मई को दोनों का सेम हो जाएगा लेट से मेन्स होता है हमारा सेप्टेंबर में तो सितंबर में से 25 सितंबर को मेन शुरू हो रहा है तो 28 को लेट्स कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिविल सर्विसेज का है तो हो सकता है कि आई आर एम एस बोले कि अट्ठाईस को आपका सिविल सर्विसेज का ट्वेंटी नाइन्थ को हम करा रहे हैं इस तरह से वो कर सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि वो बोलें कि कॉमर्स एंड अकाउंट्स जो आपने सिविल सर्विसेज में दिया है उसके ही मार्क्स हम यूज़ कर लेंगे वो हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी नहीं है हमें लगता है कि अलग अलग होगा मेंस प्रीलिम्स uh, की तरह सेम नहीं होगा क्योंकि लैंग्वेज में डिफरेंस है जो जिस तरह से इन्होंने लिखा है अलग होने के चांसेस ज़्यादा हैं लेकिन फर्स्ट फेब्रवरी को क्लियर हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा क्योंकि चाहे वो एग्ज़ाम एक बार लिखो चाहे दो बार लिखो फर्क कोई नहीं पड़ना है आपको एक दिन का एफर्ट जाता है एक बार लिखोगे उससे बेटर है दो बार लिख लो क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी थोड़ा सा पेपर अलग आया शायद मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊँ एक थोड़ा ख़राब हो गया तो दूसरे में वो सेम गलतियाँ ना करूँ अलग होगा तो एक दिन का एफ़र्ट तो है लेकिन वो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि यार पहले सिविल सर्विसेज वाला पहले वो उसमें एक गलती कराया या फिर पहले आई का हुआ ये गलती कराया है सिविल सर्विसेज में यह गलती नहीं करूंगा तो सीखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ दैट कैन बी एन एडवांटेज ठीक है ये जो लिंक है पी की पोस्ट का प्रेस रिलीज का ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द ऑप्शनल ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी फॉर सिविल सर्विसेज एंड द ऑप्शनल ऑफ मैनेजमेंट तो यू कैन गेट इन टच विद बस हमारे जो काउंसलर्स हैं वो इस नंबर पे अवेलेबल हैं नंबर बता देता हूँ डबल नाइन डबल नाइन फोर डबल सिक्स डबल टू फाइव इस नंबर पे आपको काउंसलर से बात कर सकते हो इफ़ यू नो टॉक विथ शुभम सर और टू मी तो काउंसलर्स को बता सकते हो कि हमें उनसे बात करनी है हमारी कुछ क्वेरीज हैं वो आपको एक टाइम स्लॉट दे सकते हैं जिसमें आप मुझसे और शुभम सर से भी बात कर सकते हो रिलेटेड टू दीज टू ऑप्शनल्स फॉर यू पी एस सी सिविल सर्विसेज ठीक है एक बार मैं वेबसाइट पे जाके आपको दिखा देता हूँ इस पे आ जाएगा ना यस yes. तो जब तक वेबसाइट खुल रही है मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ठीक है जो मुझे लगता है कि इस समय दो तरीके के स्टूडेंट्स हो सकते हैं एक स्टूडेंट्स वो जो नोटिफिकेशन देख के ये सोच रहे हो कि यार अभी शायद हमारी तैयारी नहीं है और हमें शायद एग्जाम नहीं देना चाहिए पता नहीं कहाँ बीच में ये नोटिफिकेशन आ गया हमें कुछ आइडिया नहीं है हम तैयारी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे और इसी समय वो दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स होंगे जो ये कहेंगे कि यार ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है मैं मेरा ड्रीम था कि मैं सिविल सर्विस सर्वेंट बनू मैं सर्विस करूं कम्युनिटी की मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं तो मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है लेट्स यूज इट तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट हैं आपको यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती क्योंकि पहली बार ये अलग से नोटिफिकेशन निकाला गया है आरएमएस के लिए तो हो सकता है कि जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन हो क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी नहीं है तो हो सकता है कि वो कंपैरेटिवली अगर अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होता है सिविल सर्विसेज मेन्स का और आई का तो चांसेस कि थोड़ा सा यहां पे लेवल हो सकता है कि कम रखा जाए एज कंपेयर टू द मेन सी तो आपको ये एग्जाम जरूर अटेप करना चाहिए और एंड यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज सुन एज पॉसिबल हाँ बहुत अच्छी बात बोली आई थिंक शुभम ने कि फ़र्स्ट टाइम हो रहा है तो हो सकता है थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आएँ तो जो लोग इसको ग्रैब कर पाएंगे वो लोग एक अच्छी पोजिशन में होंगे क्योंकि जब भी कोई एक नया एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो नॉर्मल टेंडेंसी होती है एग्जामिनर की कि पहले बेसिक क्वेश्चंस एक्सप्लोर कर दिए जाएं क्योंकि कोई पुराना पेपर नहीं है कोई डर नहीं है कि कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए तो इट बिकम्स ईजी फॉर द एग्जामिनर टू सेट द पेपर तो नॉर्मली एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजी आता है अभी वेबसाइट पे जाओगे अनुजिंदल डॉट इन तो यहाँ पर डिटेल्स आपको सारी मिल जाएंगी कोर्सेज करके एक सेक्शन है जहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ये सारे ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं इसमें आई भी एक ऐड कर दिया गया है मैनेजमेंट ऑप्शनल कॉमर्स ऑप्शनल ये सिविल सर्विसेज के लिए हैं और यूपीएससी आंसर राइटिंग का एक अलग कोर्स चल रहा है उसकी डिटेल्स भी अगर चाहिए तो आप लोग काउंसलर्स से बात कर सकते हो यहाँ पर आई का एक ही कोर्स है बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया है इसमें पूरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कवर किया है और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी कवर की गई है जिसमें जैसे ही आपका प्रिलिमिनरी हो जाएगा उसके बाद एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी जाएगी जो कि प्रिलिम्स और मेंस के बीच में चलेगी जिससे कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाओ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक्चुअल में जाके वहाँ लिखना है ऑब्जेक्टिव एम पेपर बेस्ड नहीं होगा uh, मेन्स में तो इसीलिए टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहीं से आपके नंबर बढ़ते हैं तो सिलेबस पूरा करती है जाइए प्रीलिम्स के बाद और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ लगाते जाओ मेरे हिसाब से बहुत इजी हो सकता है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपको दो ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं मतलब दो ही पेपर्स की तैयारी करनी है एक ही ऑप्शनल है बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो और बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हो कुछ और बात शुभम कहना चाहोगे Uh, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आप अंडर ग्रेजुएट्स हैं तो आपके जो आंसर राइटिंग का तरीका होता है वो काफ़ी अलग होता है एज कंपेयर टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन यूपीएससी एग्ज़ाम तो मैं इस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज की एक छोटी सी फीचर बताना चाहूंगा जिसने काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प किया है जिन्होंने लास्ट ईयर यूपीएससी मेन्स एग्जाम दिया था और इसका फीचर यह है कि जब आप एक बार आंसर लिख लेते हो सो वी हैव द फैसिलिटी दैट आर एक्सपर्ट इज देयर मी आई एम देयर आदी सर इज देयर हम एक्सपर्ट्स हैं जो चेक करके आपको प्रॉपर फीडबैक भी देते हैं दैट हाउ केन यू इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ आंसर्स तो इससे क्या होता है कि आपको अपनी रियल मिस्टेक्स पता चलती हैं बिकॉज जिस तरीके से हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आंसर्स लिखते हैं वैसे आंसर अगर यहां लिखने की कोशिश करोगे

हमें पता लगता रहे कि स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं और इस डायरेक्शन में क्या वो बढ़ना चाहते हैं बढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे ठीक है ऑल द बेस्ट गाइस टेक केयर बाय जय हिंद बाय